अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक यूट्यूब माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप के उम्मीद है आप सब खैर ऑफिस से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अभी हमने आज हाफ टाइम हमने काम किया था और हाफ टाइम जो है हम इन्जॉयमेंट करेंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज का व्लॉग हम स्टार्ट करें और आज का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि आज हम जा रहे हैं सीवी और घूमने फिरने। हफ्ते का दिन है और इन्जॉयमेंट करनी चाहिए इंसान को। हम काम भी करते हैं साथ साथ, लेकिन हमने आज हाफ टाइम काम किया, उसके बाद हम निकले 3 बजे अभी घूमने। तो यहाँ बिल्डिंग्स वगैरह थी इतनी प्यारी प्यारी, मैं कहा चलो आप लोग के साथ शेयर करते चले ताकि आप लोगों को भी पता हो हम क्या इन्जॉयमेंट कर रहे हैं। तो खैर यहाँ डिफेंस के इलाके में हम आ चुके हैं डिफेंस में, और यहाँ से हम जा रहे हैं सीवीओ में। डिफेंस में ही आते हैं, लेकिन खैर आप लोगों के साथ शेयर करना हमारा कोई वो नहीं था। लेकिन आज का व्लॉग जो है हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ इतनी प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स भी बनी हुई थी, डिफेंस इतना प्यारा है, माशाल्लाह इतना प्यारा है, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। मतलब के बहुत ही अच्छे घर बने हुए डिफेंस में। अल्लाह पाक सबको ऐसे घर दे, हमें भी दे क्योंकि ये घर देख के ना मुझे भी ऐसी फीलिंग आई थी कि अल्लाह पाक हमें भी ऐसे घर दे। तो यहाँ पे हम आ रहे थे, यहाँ कबूतर जो यहाँ इतने ज़्यादा कबूतर थे, इतने ज़्यादा तारों पे बैठे हुए थे, दाना वगैरह खा रहे थे। तो यहाँ मतलब कि ट्रैफिक बहुत थी और हम लोग जा रहे थे, तो मैंने कहा कि आप लोग के साथ भी शेयर किया जाए। तो यहाँ हम सीवीओ पहुँच चुके थे, लेकिन हम यहाँ अच्छी सी जगह ढूँढेंगे जहाँ कोई ना हो और हम सही से इंजॉयमेंट। यहाँ पर था पार्किंग वगैरह और पेट्रोल पम्प वगैरह, तो उसके साथ साथ जो है इसके आगे एक मॉल है, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे, दिखाएंगे आप लोगों तक, वो भी आप लोगों को अच्छा लगे। और मेरी कोशिश होती है कि मैं जब भी कोई अच्छा कंटेंट हो मैं उस कंटेंट पे ब्लॉग बनाऊं, क्योंकि मेरे पास अच्छा कंटेंट नहीं होता। मुझे पता है कि एक कंटेंट देखते देखते आप लोग भी बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं नहीं शेयर करती। तो जी ये है मॉल, खादी वालों का बहुत ही रश होता है इधर, आए दिन रश होता है बहुत ज़्यादा। और उसके साथ साथ जी आगे हम पार्क भी है, इसके साथ आप लोग चाहें तो उसमें बैठ के रेस्ट कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। और उसके बाद अभी हम भी जा रहे हैं, हम खाना वाना खाएंगे, बैठेंगे वहाँ पे। तो ये हमारी ये मंजिल बहुत करीब हो चुकी है, और यहाँ हमारा कायदे आज़म भी है जिंदाबाद। तो ये हम घूम चुके हैं, यहाँ पे हम कायदे आज़म मिल गया है। और जो है अभी हम चलते हैं अंदर अपने सेंडर बाज़ार की तरफ से अपने सीवीओ की तरफ, ताकि वहाँ इंजॉय कर सकें। तो जी यहाँ पे था संडे बाज़ार, और यहाँ से हम चलते हैं आगे, क्योंकि आज हफ्ते का दिन है। हम यहाँ पे आए थे, काफ़ी रश था, लोग बहुत थे, लेकिन इतना नहीं था जब पहले हम आए थे ना। हमने सबसे ब्लॉग बनाया ना, हम सबसे हमने सही से इन्जॉय किया था, लेकिन हम वापस चले गए थे। लेकिन आज हम खुल के इन्जॉय करेंगे, यहाँ सब साथ होती हैं तो इन्जॉय करने का मज़ा अलग होता है, और हम कभी अलग नहीं आते। और यहाँ हम जाते हैं सीवीओ की तरफ, तो आपको दिखाते हैं। पाँव हो रहे हैं, गोबर जैसे लग रहा है, इतनी गंदी जगह हो रही थी। गाइस ये सिपियां हैं जिसको आप हम लोग सिपियां कहते हैं, आप ना जाने क्या। समंदर का व्यू है आप देख लें, और अभी हम जा रहे हैं आगे साफ जगह पर। ये देखें अभी हम जा रहे हैं नीचे, और मैंने जूती उतार दी है। वैसे उतरने का मेरा दिल तो नहीं कर रहा, खैर समंदर में है तो इंजॉय तो करना चाहिए। हाँ चलो चलो, छोरी आज मैं भी जा रही। ये लड़कियाँ, ये सारी सिपियाँ सिपियाँ समंदर ने निकाल के सारा गंद बाहर फेंक दिया है, और अभी हम समंदर में जा रहे हैं। इतने क्या क्या बाहर आया हुआ है, ये ग्लव्स भी बाहर आए हैं, इसको पीवीसी ग्लव्स कहते हैं। सारे ग्लव्स और सिपियाँ तो हद से भी ज़्यादा हैं, ये देखें। चलो मैंने कहा समंदर में आए हैं तो समंदर का मज़ा लें। जहाँ पहले चले गए थे वहाँ तो कुछ ज़्यादा ही कचरा था, यहाँ पे है तो सही लेकिन कम है। और ये देखें ये लड़कियाँ इंजॉय कर रही हैं। आज हमने हाफ़ टाइम में काम ख़त्म कर लिया था कंपनी में, तो फिर हाफ़ टाइम हमने कल बोल दिया था सर को कि हमने बाहर जाना है, तो उन्होंने कहा था ठीक है चले जाना। और ये हम सब लड़कियाँ आज आई हुई हैं घूमने, तो ये मैं समंदर की आपको लहरें भी दिखाती हूँ। यहाँ तो बिल्कुल सफ़ा हो गया है, और बाकी वो जो लड़कियाँ अभी तक नहीं आई वहाँ तो काफ़ी रश है, ये देखें। अब लेकिन वहाँ हम लोग आगे नहीं गए, और इसलिए मैंने कहा यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। और वैसे मैं समंदर के पानी में इतना नहीं जाती, लेकिन आज मैं जा रही हूँ समंदर में पानी के, समंदर के पानी में जाना चाहिए। आगे नहीं जाना आशा, कहीं समंदर का
तक आ चुका है ये पानी। मेरे कपड़े फिर भी गंदे हो गए। मेरे भी हो गए, ये देखेगा इस कपड़े गंदे हो गए, ये सबके कपड़े गंदे हो चुके। इसको देखो ये पागल ही लगे। तौबा यार, आ जाओ, अब जा रहा पानी वापस। अब ये पानी वापस आ रहा है। इस लड़की का स्टाइल देखो, बड़ा उतार के आता है ना। अच्छा ठीक है, उसको देखो सपा के सारे कपड़े गीले हो गए। तुम लोग कहाँ तक यार, आशा को बोलो तेरे कपड़े गीले ना करे, वापिस भी जाने। हाँ ये समंदर की लहरें दिखा के भाई, तो देखो मुझे खुद डर लग रहा है। पागल है ये लोग, सिप्पियाँ उठा रहे हैं। तो है। सारे कपड़े गीले हो गए। शिट, देखो मैं तुम्हारे इधर नहीं है, देखो मैं खड़ी हुई। वो हमारी गाड़ी खड़ी हुई है जिस गाड़ी पे हम लोग आए हैं घूमने। समंदर की लहरें देखे, माशाल्लाह माशाल्लाह। जहाज वगैरह थे हाँ, किसने तो भाई यार यार मैं पानी की लहरें बहुत तेज आ रही है। मेरा सारा कपड़े गीले हो गए। कभी तो डर खत्म करें यार, मैं उस दिन भी गई थी लेकिन पता नहीं क्यों डर लगा। अरे मेरा दिल इतना घबराता है पानी को देख। नहीं नहीं करेंगे वो अदनान भाई, देखो तुम क्या मार तुम क्या जब ये पाँव में कुछ लगता है फिर ज्यादा डर लगता है। अम्मा पानी कितना बड़ा है यार, ज्यादा उसको बोलो तो दूर खड़ी हो ऐसे लागे। यार कपड़े सारे गिरे। हाँ तो मैं देखो तुम्हें कितना तक पानी आते। ये बहुत सारे कपड़े ना देखो मेरे खुद, मैंने कहा आज मैं बाया नहीं उतारी, मैं गीली नहीं होंगी। तुम लोगों से ज्यादा ना आता है के एंजॉय करें खुल के। और अभी मैं आई हूँ, चलो मैंने कहा थोड़ा मैं भी आ जाऊँ मिलोग में। देखो इसकी लहरें कितनी हैवी हो रही है। आ जाओ तुम लोग वापिस, गला मेरा फट फट के। गाइस इतना कुछ हो चुका है इतना। आशा, आशा को तो देखो, और ये लड़कियां छोटी है भाई से भी हुई नजर आ रही है। और ये पानी गिरा है अभी, इस वक्त बहुत तेज हो चुकी है और हमारी दिल की धड़कने भी थप थप। ये देखिए गाइस, ऐसा लग रहा है पांव से जमीन जा रही है। और हालांकि समंदर का जब पानी आता है तो लहरें निकल निकल के लेके जाती है। ये सारी बिल्डिंग्स हैं। इस वक्त सिर्फ समंदर का शोर ही शोर है यार। वो दरख्त ऐसे बने हुए जैसे लोग खड़े हो है ना। और ये डेनमार्क का ग्लव्स है। हाँ चलो तेरे समुंदर में। हाँ गाइस ये देखे हम ग्लव्स का काम करके, और हमारे समंदर में भी ग्लव्स घूम रहे हैं, छोड़ ही नहीं रहे साड़ी पीछा। अगर इधर भी सानू बनाओ इधर ही सानू बनाओ, असी है कि ग्लव्स किधर कट के पड़ा। तो भाई यार बहुत ज्यादा निशा आगे चले गए हो, पता है तुम लोग। ये भाई को देखे क्या करता हुआ आ रहे, पागल किस्म के लोग।
हमारे साथ एक मोटर है, उसको नाम हमने मोटर रखा। वो बैठी भी है, हिली नहीं रही। सारा दिन नहाने हो। देखो सादिया लोग कहाँ जा रही है, अल्लाह माफ करे सादिया। वापिस लाइक गाइस, मेरी आवाज नहीं जा रही, मैं क्या करूँ। वापिस मेरा दुपट्टा कह रहा है मुझे भी नहाना है। नहा लो बच्चा, नहा लो शहजादे, बस बहुत हो गया, नहा लिया। चलो वो देखो, निशा को देखो, चलो आ जाओ गाइस। चले गाइस, हम ना आपको एक चीज़ दिखाते हैं। लड़कियां ना वो डाल के ना ढूंढ ढूंढ के छप्पर में डाल रही है, पता नहीं उन्हें क्या करना है। सब्बा इधर आओ, तुमसे एक बात बताओ मुझे। मैं आगे नहीं जा रही, ज़्यादा पानी आ जाएगा, मैं पहले सूख रही हूँ और गीली हो रही हूँ। चलो आप तुमने नहाना तो ना हो जाओ। ये देखेंगे भाई साहब उनकी टांग पकड़ के वापस लेके आ रहे हैं। ये देखे समंदर का पानी लेके जा रहा था इसको, लेकिन मैं भाई साहब उसकी टांग पकड़ गया। भाई साहब की बड़ी हिम्मत है। तो अब्बा है वजीरा, हाय मासी क्या हाल है। कपड़े सुखा रहे अपने, हमारे बहुत गीले हो गए थे। हमें कह रहे हैं जब तक कपड़े नहीं सुखाओगे आप लोग अंदर नहीं बैठोगे, इसलिए कपड़े सुखा रहे। गाइस यहाँ पे हमने एंजॉय कर लिया था, अभी हम घर जाने का वक्त आ गया। अभी हम जा रहे हैं घर, और घर आने के बाद जो है यहाँ पे बाजार लगा हुआ था, यहाँ से चीज़ें लेते हैं। ये तो गीले हो गए भाई, पैसे गीले हो गए, पानी में कोई मसला था नहीं। ये ले, ये क्या है, कौन ये बालों का। ये तो इसका शीशा हिल रहा है, ये डेढ़ सौ। अच्छा सही है, ये इधर दो। चलो सही है सादिया, हाँ तुम लोग बैठो। निकलो ले आए। हाँ जी, क्या क्या लेना है। मैं बताती हूँ, एक ये लेते हैं। अच्छा। एक ये लेते हैं हम, अल्लाह मोहम्मद लेते हैं। ये इसको दो अंकल को, ये ये वाला, एक ये वाला, हाँ और एक ये वाला, हाँ तीन हो गए, और एक ये वाला, ये ले ये ले, चार हो गए, और एक वो वाला। ये देखें आप, ये वाला ये ले, ये नहीं नुमान भाई ये ले, ये कलमा लेना। हाँ एक कलमा और एक घर ले लेते हैं, एक मिनट का घर कौन सा, ये वापस कर, ये वाला, हाँ ये सुनारा के, और एक वो कलमा लेने। हो गए 100 रुपये पूरे। चलो अब अंकल को दें 2-2 रुपये बस मिल रहे। अच्छा चल, फूल पता नहीं। वाह
तो यहाँ हम आ चुके हैं। तो बाहर ये घना जंगल, ये पार्क बना हुआ था, दरख्त बहुत ज़्यादा थे इसमें, और यहाँ बिल्ली जो है छोटे छोटे पत्तों से निकल के बाहर निकल रही थी, जो कि अभी इस वक्त और ये गेट के तरफ चढ़ चुके, अपनी मंजिल पे पहुँच चुकी है, अभी उतरेगी नीचे। और यहाँ पे थे पौधे वगैरह जहाँ बिकते हैं। फिर यही भी लोग था हमारा आज का ब्लॉग, एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।